सभी आगंतुक बंधुओं से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान संघ तख्त स्कंध स्वागत प्रणाम। एक दो तीन। पूजा तंडा प्रणाम। एक दो तीन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।
त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजयांच विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत्। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। अच्छा प्रणाम। एक दो तीन आ रमा। सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सौदन संघ तख्त स्कंध संघ प्रत्युत प्रचलनम केंद्रतः प्रचल। ध्वज प्रणाम। एक दो तीन प्रदक्षिण संचलिष्यति गणस्तंभ विह गणशः दक्षिणतः चतुर्विह। गणे प्र चल।
दंड गाना प्र चल एक दो सावधान स्तव आ रम दंड गण दक्ष सम्यक क्रमिका सिद्ध अविरत प्रयोग एक स्वागता प्रकार दो द्विमुखी गतियुक्त प्रहार ऊर्ध्वमन सा विसर्ग प्रकार एक करो षटपति चतुष प्रकार दो गुरु भेद सिद्ध भेद तूर्य वृत्त चतुष्क करो भेद ऊनवर्त द्विमार चतुष्क विस्तार प्रयोग एक क्रमशः एक दो तीन क्रमशः चार प्रडीन संडीन शिरोभेद चतुष्क क्रमशः एक दो क्रमशः
चार। प्रहार सिद्ध, प्रहार ऊर्ध्व भ्रमण अर्ध भ्रमण योग करो। क्रमिका सिद्ध, अविरत प्रयोग दो। सिरमार क्रमिका तीन, स्वागता प्रकार एक करो। भुज दंड, दंड गण अर्ध कृत प्रचल। नियुद्ध गण सम्यक अहम, गण दक्ष, गण प्रयोग सिद्ध, प्रयोग एक प्रयोग गण क्रमांक दो तीन संयुक्त प्रयोग तीन प्रयोग गण नियुद्ध सिद्ध भूमि वंदन प्रयोग गण प्रयोग सिद्ध प्रहार युधि चतुष्क प्रयोग गण क्रमांक दो गण प्रयोग सिद्ध पादहस्त प्रहार चतुष्क प्रयोग यदि प्रयोग चार प्रयोग यदि प्रयोग पांच प्रयोग
गण क्रमांक 3 गण नियुद्ध सिद्ध यदि प्रयोग 2 प्रयोग संयुक्त प्रयोग 1 प्रयोग द्वंद्व गण प्रछल द्वंद्व प्रयोग 1 द्वंद्व प्रयोग 2 द्वंद्व प्रयोग 3 प्रयोग गण दक्ष प्रछल नियुद्ध गण उत्तिष्ठ सम्यक गण नियुद्ध सिद्ध मुष्टि प्रहार 5 प्रयोग गण दक्ष अर्ध प्रद प्रछल सामूहिक क्षमता स्थल सम्यक सामूहिक क्षमता गण दक्ष स्कंध सामूहिक क्षमता प्रछल
सामूहिक समता भुज दंड अर्ध वृत प्रचल
स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। तृतीय संघ शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय सम्माननीय श्री मुखर्जी, वर्ग के सर्वाधिकारी माननीय गजेंद्र सिंह संधु, माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक श्री रामजी हरगरे, माननीय उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित शिक्षार्थी बंधुओं, हमारे अतिथिगण, नागरिक बंधुओं और भगिनी, तृतीय सत्र शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में मैं आप सभी का नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं। अपने इस वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समिति कार्य पद्धति इसका अनुभव लेने आए हमारे विशिष्ट अतिथियों का मैं परिचय आप सभी से कराना चाहूंगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र, वैसे ही सादी और सरल स्वभाव के श्री सुनील जी शास्त्री, जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना है, वे
अपनी पत्नी श्रीमती मीरा देवी के साथ यहाँ पधारे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से श्रीमान अदेंदु बोस, जो कि स्वयं सीधे कलाकार हैं और अच्छे व्यवसायी भी, वे अपनी पत्नी श्रीमती केरमिन एवं पुत्र श्री नेविल के साथ यहाँ उपस्थित हैं। श्री राजीव जी मल्होत्रा प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया के लेखक विश्व जगत में अपनी लेखनी एवं विशेष व्याख्यान शैली के लिए प्रसिद्ध, जिन्होंने हिंदुत्व पर विशेष अध्ययन कर पाश्चात्य जगत को सही दिशा देने में प्रयासरत ऐसे राजीव जी आज यहाँ उपस्थित हैं। श्री चला राजचंद्र प्रसाद जी इंजीनियर टेक्नोक्रेट, जिन्होंने भारतीय कॉफी को विश्व के व्यापार जगत में स्थापित किया और कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में वर्षों से सेवा दे रहे ऐसे समाज सेवी उद्यमी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे बीच युवा उद्योगपति मफतलाल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विशाल मफतलाल जी, उद्योग के साथ में जिनका सामाजिक कार्य में रुचि है और अग्रणी है उस कार्य में, वे भी यहाँ उपस्थित हैं। खेल जगत का सुप्रसिद्ध नाम श्री कल्याण जी चौबे, एक्स इंडियन फुटबॉल गोलकीपर, जिन्होंने अनेक राज्यों का प्रतिनिधित्व किया और अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट संबलपुर ओडिशा के प्रमुख तथा फुटबॉल के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर योगदान कर रहे ऐसे श्री कल्याण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी विशिष्ट अतिथियों ने हमारे निमंत्रण को मान लिया और यहाँ पधारे। मैं नागपुर महानगर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष के माननीय सर्वाधिकारी सरदार गजेंद्र सिंह जी संधु, आप उत्तरांचल राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के माननीय संघ चालक हैं। मैं माननीय सरदार गजेंद्र सिंह से प्रार्थना करता हूं कि मंचस्थ अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराने का श्रम करें। मंच पर विराजमान भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी महोदय, संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, विदर्भ प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक एवं नागपुर के महानगर संघ चालक महोदय, विगत 25 दिन से नागपुर की पावन धरती पर चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में पधारे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी महोदय। उनको कौन नहीं जानता, वे किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी आपका जन्म 1935 में हुआ, आप भारत की राजनीति के दैदीप कमान सितारे हैं। आपने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की है। आप पिछले 60 वर्षों से भी भारत की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। आपने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व वहन किया है। आप 2012 से 2017 तक भारत के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं।
भारत की अभूतपूर्व सेवा हेतु आपको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर एवं इतिहास पर गहन अध्ययन एवं अनुभव है। संघ के इस वर्ग में आगमन पर हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं। हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले संघ के परमपूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी मंच पर विराजमान हैं। विदर्भ प्रांत के प्रांत संघचालक श्री राम हरकरे जी एवं नागपुर महानगर के माननीय संघचालक राजेश लोया जी विराजमान हैं। संघ के आमंत्रण पर पधारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारे आग्रह पर स्वीकार कर समय निकाला, हम उनके आभारी हैं। वर्ग के समापन समारोह में पधारे नगर के सम्मानित बंधु भगिनी, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का संदेश भारत तथा संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले पत्रकार छायाकार बंधु भगिनी का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए पुलिस विभाग, महानगर पालिका, इनका भी अभिनंदन करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, सीपी एंड बरार एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश एजुकेशन सोसाइटी, इनका भी अभिनंदन करते हैं, इनका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल महामंडल, इनका भी स्वागत करता हूं। मैं माननीय सरसंघचालक जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मैं इस वर्ग के वर्ग कार्यवाह माननीय श्याम मनोहर जी, जो वर्तमान समय में जोधपुर प्रांत के प्रांत कार्यवाह है, उनसे आग्रह करता हूं कि वर्ग का प्रतिवेदन हम सबके समक्ष रखें। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश भर में अपनी शाखाओं के माध्यम से हिंदू समाज के संगठन में सन 1925 से कार्यरत है। यह पुनीत कार्य व्यक्ति निर्माण के द्वारा किया जा रहा है। व्यक्ति निर्माण की कड़ी में कार्यकर्ता प्रशिक्षण एक विशिष्ट कार्य पद्धति संघ द्वारा विकसित की गई है। संघ में कार्यकर्ता प्रशिक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, प्रांतशः प्रथम वर्ष, क्षेत्रशः द्वितीय वर्ष एवं अखिल भारतीय स्तर पर तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस वर्ष पूरे देश भर में 15 से 40 वर्ष तक की आयु वालों के देश भर में 91 वर्ग चल रहे हैं। अपना यह तृतीय वर्ष का वर्ग 14 मई 2018 को प्रातः प्रारंभ हुआ। आज समापन कार्यक्रम में कुल 707 शिक्षार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। इस वर्ग में मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश भर के 42 प्रांतों के शिक्षार्थी आए हैं। वर्ग का शुल्क ₹1,000, आने जाने का किराया, गणवेश सहित संपूर्ण खर्च अपनी जेब से वहन करते हुए सभी शिक्षार्थी इस वर्ग में सहभागी हुए हैं। इस वर्ग में चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, अधिवक्ता, अध्यापक, प्राध्यापक, पत्रकार, व्यवसायी, उद्योगपति, किसान एवं शोध छात्र सहित सभी वर्गों के कार्यकर्ता आए हैं। स्नातकोत्तर श्रेणी के 191 तथा स्नातक श्रेणी के 375 और उच्च श्रेणी के 17 शिक्षार्थियों ने शिक्षण प्राप्त किया है।
शिक्षार्थियों के व्यवस्थित प्रशिक्षण हेतु 96 शिक्षक, 39 प्रांत प्रमुख और 120 प्रबंधक दिन रात कार्यरत हैं। यहाँ की दिनचर्या प्रातःकाल 4 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 10:15 बजे तक दीप मिलन तक विभिन्न प्रकार के शारीरिक, बौद्धिक, सेवा इत्यादि विविध कार्यक्रमों का प्रशिक्षण वर्ग में दिया जा रहा है। कुछ शारीरिक कार्यक्रमों का एक झलक आप सभी ने अभी देखी है। बौद्धिक कार्यक्रमों के अंतर्गत चर्चा, संवाद, बौद्धिक वर्ग, गीत, प्रार्थना अभ्यास, अहिंदी भाषी शिक्षार्थियों के हेतु हिंदी भाषा का अभ्यास के साथ समाज सेवा एवं ग्राम विकास की विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। वर्ग में दिनचर्या में दैनिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सेवा प्रशिक्षण की भी विशेष योजना बनी गई। नियमित श्रम साधना द्वारा परिसर में स्वच्छता, रेखांकन, सज्जा, भजन मंडली, जल संरक्षण, बाल संस्कार केंद्र, आपदा प्रबंध आदि अनेक सेवा कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया गया। 14 मई से प्रारंभ हुए इस वर्ग में माननीय सरकार जी सहित अधिकांश अखिल भारतीय अधिकारियों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। परम पूजनीय सरसंघचालक जी गत 2 जून से पूरे समय वर्ग में रहकर हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्ग की इस अवधि में 28 मई को सभी शिक्षार्थियों ने नागपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन में सहभाग किया। साथ ही 30 मई को प्रधान कार्यालय तथा आद्य सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर जी के निवास के दर्शन भी किए। वर्ग की 25 दिन की अवधि में आपस में भाषा समझने समझाने की कठिनाई के बावजूद भी हम सभी भारत माता के सगे पुत्र हिंद व सोदरा सर्वे इस रूप में एक दिव्य एकात्म राष्ट्र भाव की साक्षात अनुभूति लेकर आज अपने प्रशिक्षण के समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। कल प्रातः दीक्षांत समारोह के भावपूर्ण कार्यक्रम के बाद हम सभी अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौटने वाले हैं। मन में एक असीम उत्साह एवं दृढ़ संकल्प है कि हम सब संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए अपने राष्ट्र को परम वैभव की प्राप्ति में और अधिक सक्रियता से इस दिव्य ध्येय को शीघ्र प्राप्त करने में सहभागी बनेंगे। अब मैं परम पूजनीय सरसंघचालक से प्रार्थना करता हूँ कि अमृत वचन एकल गीत के पश्चात हम सभी का मार्गदर्शन करावें। उसके पश्चात माननीय डॉक्टर प्रणव मुखर्जी पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मेरी प्रार्थना है कि उसके पश्चात हम सबको प्रेरक उद्बोधन देने का। अमृत वचन। योगी श्री अरविंद जी ने कहा, हम राष्ट्र देवता की उपासना में लगे हैं, अतः तन, मन, धन, बुद्धि, चित्त तथा जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है सब उसके लिए ही है। इस प्रकार की विशुद्ध भावना से अपने ध्येय निष्ठा की ओर हम बढ़ते हैं। इस विशुद्ध भावना को अपने अंतःकरण में हम लोग अच्छी प्रकार से निर्माण करें, उसका कभी भी विस्मरण न होने दें। योगी अरविंदः समुपदिशति, वयं राष्ट्रदेवतायाः उपासनायां लग्नाः स्मः, अतः तन, मन, धन, बुद्धि, चित्तमित्यादि यत्किमपि ईश्वर कृपया अस्माभिः अधिगतमा वर्तते तत्सर्वं तस्मै समर्पितम् अस्ति। एतादृशीं विशुद्धां भावनां वयं स्वान्तःकरणेषु सम्यक् धारयामः, न च तां कदापि विस्मरामः। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन इस वैश्विक
जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। सुंदरा परिवार हमारा, अखिल विश्व के पथ दर्शन की मुनि जन संतों की अभिलाषा, बंधु भाव से सब जग जोड़े, वेद और गीता की भाषा, समरसता मंत्र के नाद से हम भर देंगे सारा त्रिभुवन, वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, व्यक्ति व्यक्ति सब विलीन होकर समाज जीवन नित कुसुमित हो, सर्व स्वार्पण के कल्पतरु नव फल फूलो से शोभित हो, काल बाह्य सब छोड़ बनाए भविष्य अपना दिव्य चिरंतन, भविष्य अपना दिव्य चिरंतन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, आकांक्षा प्राचीन हमारी नवयुग की गा रही आरती, त्रिकाल विजयी संकल्पों की नव पुरुषार्थ करेगा पूर्ति, अखिल विश्व में सुख शांति हो जनमानस का यह संकीर्तन, जनमानस का यह संकीर्तन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, नव युग के नव आह्वानों को नव साहस से स्वीकारेंगे, भूतकाल पर विजय प्राप्त कर नव विक्रम ध्वज लहराएंगे, विश्व धर्म का अमृत देंगे आर्त जगत का यह संजीवन, आर्त जगत का यह संजीवन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन इस वैश्विक
जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा। तृतीय वर्ष वर्ग के समापन समारोह के प्रमुख अतिथि महोदय, परमादरणीय डॉक्टर प्रणव मुखर्जी, इस वर्ग को देखने, संघ को समझने अपना समय खर्चा करके, अपना व्यय करते हुए हमारे ऊपर स्नेह रखकर यहाँ उपस्थित हुए सभी माननीय अतिथिगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मंच पर उपस्थित माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के और नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष नागपुर में तृतीय वर्ष का वर्ग लगता है और प्रतिवर्ष उसका प्रकट समापन कार्यक्रम होता है। ऐसे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें संघ स्थापना के समय से हमारी ये परंपरा रही है कि देश के सज्जनों को हम आमंत्रित करते हैं, जिनको आना संभव है वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और यहां पर आते हैं, संघ का स्वरूप देखते हैं, अपने तरफ से अपनी कुछ बात कहते हैं, उसको पाथेय रूप में स्वीकार कर उसका चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उस परंपरा के अनुसार ही आज का भी कार्यक्रम नागपुरवासी सब जानते हैं सरलता से, सहज रीति से संपन्न हो रहा है, परंतु इस बार उसकी कुछ विशेष चर्चा चली। वास्तव में एक स्वाभाविक नित्य क्रम में होने वाला यह प्रसंग है, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो चर्चा होती है उसका कोई अर्थ नहीं है। यह प्रतिवर्ष जैसे होता है वैसे होता है, वैसा ही हुआ है। डॉक्टर प्रणव मुखर्जी साहब से हम परिचित हुए, सारा देश पहले से ही जानता है, अत्यंत समृद्ध, ज्ञान समृद्ध, अनुभव समृद्ध ऐसा एक आदरणीय व्यक्तित्व हमारे पास है और ऐसे सज्जनों से पाथेय ग्रहण करने का लाभ हमको मिल रहा है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ है। हमने सहज रूप से उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने हमारे हृदय का स्नेह पहचान कर सम्मति दी और वहां यहां उपस्थित है, एक सहज स्वाभाविक बात है। उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे हैं, ये चर्चा निरर्थक है। संघ संघ है, डॉक्टर प्रणव मुखर्जी डॉक्टर प्रणव मुखर्जी है और रहेंगे, परंतु हम निमंत्रण इसलिए देते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते, संघ वाले नाम से देश में कोई बड़ा प्रभावी ग्रुप खड़ा करे जो देश के सारे क्रियाकलापों पर अपना स्वामित्व चलाए। इस आकांक्षा को लेकर संघ का काम नहीं चला है। हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए संघ नहीं है, संघ तो संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और वास्तव में किसी भारतवासी के लिए दूसरा कोई भारतवासी पराया नहीं है। विविधता में एकता, ये अपने देश की हजारों वर्षों से परंपरा रही है। हम भारतवासी हैं या नहीं, क्या है,
संयोग से इस धरती पर जन्मे या यहां पैदा हुए, इसलिए हम केवल भारतवासी नहीं है। ये केवल नागरिकता की बात नहीं है। भारत की धरती पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत पुत्र है। इस मातृभूमि की निस्सीम भाव से भक्ति करना उसका काम है, और जैसे जैसे उसको समझ में आता है, छोटे तरीके से बड़ी तरीके से सभी लोग ऐसा करते हैं। इस भारत भूमि ने केवल हमको पोषण और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं दिए हैं, उसने हमको हमारा स्वभाव भी दिया है। सुजल सुफल मलय ज शीतल मातृभूमि, और चारों ओर से प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित। इसमें बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो सकता था, और अंदर भरपूर समृद्धि थी। इसलिए जीवन जीने के लिए हमको किसी से लड़ना नहीं पड़ा। स्वाभाविक दृष्टि से हम इस मनोवृत्ति के बड़े बने कि सर्वत्र भरपूर है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, अपने जीवन को समृद्ध कर रहे हैं। कोई आता है तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, तुम भी साथ रहो। भाषाओं की पंथ संप्रदायों की विविधता तो पहले से है, अलग अलग प्रकार से प्रांत बनते हैं, रचनाएं बदलती रहती है, राजनीतिक मत प्रवाह विचार प्रणालियां भी पहले से रही है, लेकिन इस विविधता में हम सब भारत माता के पुत्र हैं, और अपने अपने विविधता वैशिष्ट पर पक्का रहते हुए, दूसरों की विविधताओं का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, और उनके अपने विविधता पर रहने का स्वीकार करते हुए मिलजुल कर रहना, विविधता में जो अंतर्निहित एकता है, भारत के उत्थान के लिए परिश्रम करने वाले सभी प्रामाणिक बुद्धि के निस्वार्थ महापुरुषों ने अभी तक जिसका उल्लेख करना कभी छोड़ा नहीं, ऐसी उस अंतर्निहित एकता का साक्षात्कार करके अपने जीवन में रहना, ये हमारी संस्कृति बनी। और उसी संस्कृति के अनुसार इस जीवन, इस देश में जीवन बने, और सारे विश्व के भेद और स्वार्थ मिटाकर, विश्व के कलह मिटाकर, सुख शांतिपूर्ण संतुलित जीवन देने वाला प्राकृतिक धर्म उसको दिया जाए, इस प्रयोजन से इस राष्ट्र को अनेक महापुरुषों ने खड़ा किया, अपने प्राणों की बलि देकर सुरक्षित रखा, अपने पसीने को सींच कर बड़ा किया। उन सब महापुरुषों के, वे हमारे पूर्वज होने के कारण गौरव का स्थान अपने हृदय में हम रखते हैं, और उनके आदर्शों का अनुसरण करने का अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। मत मतांतर हो ही जाते हैं, मत का प्रतिपादन करने का शास्त्रार्थ करते समय और विवाद भी करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब बातों की एक मर्यादा रहती है। अंततो गत्वा हम सब लोग भारत माता के पुत्र है। मत मतांतर कुछ भी होंगे, हम अपने अपने मत के द्वारा ये मानकर चल रहे कि भारत का भाग्य हम बदल देंगे, हम उसको परम वैभव संपन्न बनाएंगे। एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते लेने वाले लोगों को अपने विशिष्टता विविधता को लेकर तो चलना चाहिए, उससे हमारा जनजीवन समृद्ध होता है। विविधता होना यह सुंदरता की बात है, समृद्धि की बात है, उसको स्वीकार करके तो हम चलते ही है। परंतु ये दिखने वाली विविधता एक ही एकता से उपजी है। उस भाव का भान रखकर हम सब एक है, इसका भी दर्शन समय समय पर होते रहना चाहिए, क्योंकि किसी राष्ट्र का भाग्य बनाने वाले समूह नहीं होते,
व्यक्ति नहीं होते, विचार तत्वज्ञान नहीं होता, सरकारें नहीं होती। सरकारें बहुत कुछ कर सकती है लेकिन सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। देश का सामान्य समाज जब तक गुणसंपन्न बनकर अपने अंतःकरण से भेदों को तिलांजलि देकर मन के सारे स्वार्थ हटाकर देश के लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होता है तब सारी सरकारें, सारे नेता, सारे विचार समूह उस अभियान के सहायक बनते हैं और तब देश का भाग्य बदलता है। स्वतंत्रता के पहले अपने देश के लिए स्वतंत्रता का प्रयत्न करने वाले सभी विचारधाराओं के महापुरुषों के मन में ये चिंता थी कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमारे उपाय से कुछ तो भला होगा लेकिन सदा के लिए बीमारी खत्म नहीं होगी। जब तक अपने सामान्य समाज को एक विशिष्ट गुणवत्ता के स्तर पर मन के एकात्मता की भावना के आधार पर खड़ा नहीं किया जाता देश के दुर्दिनों का संपूर्ण अंत नहीं होगा। और हमने अपना काम चुन लिया है, हम उसमें व्यस्त है लेकिन ये काम हुए बिना कोई काम पूर्ण नहीं होता। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार इन सभी कार्यों के सक्रिय कार्यकर्ता थे क्योंकि उनके अपने जीवन में उनको अपने लिए करने की कोई इच्छा आकांक्षा नहीं थी। वो सब कार्यों में रहे, कांग्रेस के आंदोलनों में 2 बार कारावास भुगता, कांग्रेस के यहां पर कार्यकर्ता भी रहे, अग्रगण्य क्रांतिकारकों के साथ क्रांतिकारकों की योजना बनाई, उसके क्रियान्वयन में भाग लिया, समाज सुधार के काम में सुधारकों के साथ रहे, अपने धर्म संस्कृति के संरक्षण में संत महात्माओं के साथ भी रहे। और ये सारा करते समय उनका अपना चिंतन भी चला और इन महापुरुषों के अनुभव चिंतन का भी परामर्श उनको मिला। तो उन्होंने ये विचार किया, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती सुप्रसिद्ध क्रांतिकारक बंगाल के अनुशीलन समिति के सदस्य डॉक्टर हेडगेवार की जब जन्म शताब्दी हुई 1990 में, तो उस जन्म शताब्दी समिति का सदस्य बनने का अनुरोध करने के लिए वो दिल्ली में थे। उस समय दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि 1911 में डॉक्टर हेडगेवार कोलकाता में मेरे घर आए थे और तब की चर्चा में उन्होंने ये बात कही थी कि समाज को खड़ा किए बिना कोई भला काम सफल होना संभव नहीं लगता। और आगे उन्होंने कहा था कि लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। सब लोग बड़े बड़े कामों में व्यस्त है, अच्छे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बहुत गहरे और बहुत ऊंचे लोग हैं, इसलिए उन कामों की चिंता उन पर छोड़ दिए तो भी काम चलेगा, लेकिन ये काम करने वाला कोई नहीं। तो इस कार्य को कैसे किया जाए ये सोच के उन्होंने 1911 से प्रयोग करना प्रारंभ किया और सारे प्रयोग करने के बाद 1925 के विजयादशमी पर अपने छोटे से घर के पहली मंजिल पर 17 लोगों को साथ लेकर ये कहा कि हिंदू समाज जो भारत का उत्तरदायी समाज है केवल परंपरा से रहते आया इतनी बात नहीं, आज के तारीख में भारत का बहुसंख्यक समाज है केवल इतनी बात नहीं, भारत के भाग्य के बारे में प्रश्न उसे ही पूछा जाएगा, उसका यह दायित्व है। उस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए इस संघ का कार्य आज से शुरू हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो हमारी दृष्टि है, हम सब एक है, किसी किसी को एकदम समझ में आता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है, किसी किसी को समझ में आने के बाद भी उसको लगता है कि इनके साथ हो गए तो कुछ नुकसान होगा, मालूम होते हुए भी थोड़ा सा उल्टा ही चलेंगे, अलग ही चलेंगे।
और किसी किसी को मालूम ही नहीं। चार ही प्रकार भारतवर्ष में है, पराया कोई नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है, सबके माता भारत माता है, सबके पूर्वज समान है 40,000 वर्षों से, ऐसा डीएनए का विज्ञान आज कहता है। सबके जीवन के ऊपर भारतीय संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते सर्वत्र। इस सत्य को हम स्वीकार करें, समझ लें, अपने संकुचित भेद छोड़कर सबकी विविधताओं का सम्मान करते हुए इस देश के राष्ट्रीयता के इस सनातन प्राचीन प्रवाह को बल देने वाला काम करते जाए। संघ ने यही विचार किया है। संघ सबको जोड़ने वाला संगठन है, समाज में संगठन संघ को नहीं करना है, समाज का ही संगठन संघ को करना है, क्योंकि संगठित समाज ही भाग्य परिवर्तन की कुंजी है। और इसे भाषण को समझकर, ऐसे पुस्तकों को पढ़कर संगठन होता नहीं, क्योंकि संगठन में एक विशिष्ट व्यवहार अपेक्षित है, सौहार्द का, सौमनस्य का, सबको समझ लेने का। आज की भाषा में, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक माइंड, उसके बिना संभव नहीं होता है। और व्यवहार की बात स्वभाव से संबंधित रहती है और स्वभाव आदतों से बनता है। आदतों को बनाए बिना स्वभाव नहीं बनता। और पूरे समाज का स्वभाव बनना है तो पूरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विचार करके नहीं चलता, अध्ययन करके नहीं चलता। समाज तो जो वातावरण बनेगा उस वातावरण के अनुसार चलता है। वातावरण बनाने वाले लोग हैं, वो लोग चाहिए। तात्विक चर्चा सामान्य समाज नहीं करता, उसको उसमें रस नहीं है, उसमें गति भी नहीं है। और तत्व की चर्चा करने जाएंगे तो विषयों को लेकर अनेक प्रकार के मत होते हैं, विद्वानों को भी पहले से है। प्रत्येक ऋषि अलग अलग बात बताता है, कभी एक ही बात अलग भाषा में बताता है तो अनुयायी लोग उसको अलग ही मानकर चलते। किसका प्रमाण माने? श्रुति स्मृति सब में फर्क है। श्रुतिर विभिन्ना श्रुतयस्य भिन्ना नैको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। धर्मस्य तत्वम, समाज को जोड़ने वाला ये जो धर्म है, समाज को बिखरने न देने वाला ये जो धर्म है, समाज को उन्नत करके अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करा देने वाला, समाज के व्यवहार को संतुलित करने वाला ये जो धर्म है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, उसका तत्व गुप्त रहता है, उसको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। सब लोग तपस्या नहीं करते, थोड़े लोग होते। सब लोग क्या करते हैं? महाजनो ये न गतस्य पंथाः, समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे चलते वैसे चलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अपने इस विशाल भूमि वाले, विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर के गली मोहल्ले में अपने आचरण से समाज हितैषी आचरण का वातावरण बनाने वाले कार्यकर्ताओं का समूह चाहिए। संघ का यही प्रयास है। विचार कुछ भी हो, देश के सामने विभिन्न जो विषय है, समस्याएं हैं, उनके हल के बारे में मत कुछ भी हो, विचारधारा कोई भी हो, जाति पाति प्रांत पक्ष पंथ भाषा कोई भी हो, लेकिन संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानते हुए व्यापक दृष्टि से उसके हित के प्रकाश में मेरा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका में आचरण कैसा हो, इसका विचार करके अपने आचरण का उदाहरण अपने आसपास प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति,
वो वातावरण बनाता है। वो महापुरुष नहीं होता, वह सब में एक होता है, महापुरुषों के आदर्शों की समाज पूजा करता है, उत्सव करता है, जयंती पुण्यतिथि मनाता है, लेकिन अनुकरण तो उसका करता है जो उसके आसपास पड़ोस में रहने वाला उसके जैसा लेकिन थोड़ा सा प्रमुख। ऐसे उदाहरण अपने जीवन से उपस्थित करने वाले कार्यकर्ता चाहिए। आदर्श हमारे पास भरपूर है, कमी नहीं है, सुविचार की कमी नहीं है, श्रेष्ठतम तत्वज्ञान हमारे पास है, परंतु व्यवहार के बारे में हम निकृष्ट थे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी तक जितनी मात्रा में व्यवहार चाहिए वैसा नहीं है। और वो तब बनता है जब सब प्रकार की परिस्थिति में उस व्यवहार पर अड़कर वैसा व्यवहार करने वाले समाज में से ही, समाज के जैसे ही, परंतु अपने चारित्र से, शील से, विशिष्टता रखने वाले लोग खड़े होते हैं। ऐसे लोग देश भर में खड़े करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, क्योंकि सारे समाज के एक विशिष्ट दृष्टि से चलने की आवश्यकता है। कार्य कोई भी संपन्न होता है तो शक्ति के आधार पर संपन्न होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए, ये जीवन का नियम है, विज्ञान सिद्ध नियम है। और शक्ति संगठन में होती है, सबने मिलके काम करने में होती है। और शक्ति को अगर शील का आधार नहीं रहा तो वह शक्ति दानवी शक्ति बनती है। अच्छी बातों का उपयोग बुरे कामों में होता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। विद्या प्राप्त लोग विवाद में समय गवाते हैं, सहमति नहीं बनाते। विद्या के आधार पर सहमति बननी चाहिए लेकिन विवाद चलते हैं। धनपति लोग धन के मद में चूर हो जाते हैं, धन का वो उपयोग नहीं है। और शक्ति दूसरों के सब बातों की इच्छा करना और दूसरों को पीड़ा देना वो प्राप्त करने के लिए इसलिए करती है। कौन करते हैं? दुष्ट लोग करते हैं। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीड़नाय खलस्य साधो हो विपरीतम एतत्। सज्जनों की गति उल्टी चलती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग समाज में ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं, धन का उपयोग दान में करते हैं, और शक्ति का उपयोग रक्षण के लिए करते हैं, दुर्बलों का रक्षण करते हैं। शक्ति को शील का आधार चाहिए, बिना उसके अनियंत्रित शक्ति, ये खतरे वाली बात है। और इसलिए उस शक्ति की उत्पत्ति, उस शील की उत्पत्ति समाज के आज के स्थिति में सब संकटों से, समस्याओं से उबार कर समाज श्रेय का मार्ग चलने लगे, ऐसे ज्ञान की आराधना, सब परिस्थितियों में अपनी तपस्या पर अड़िग रहने के लिए वीरव्रत की आराधना, और सब प्रकार के मोह आकर्षणों से, कष्टों से गुजरते हुए भी अपने ध्येय को कभी ओझल न होने वाली, उल्टा अधिकाधिक ध्येय प्राप्ति की उत्कंठा तीव्र करने वाली ध्येय निष्ठा, इन पांच गुणों की आराधना संघ की शाखा में स्वयंसेवक करते हैं। एक घंटा ये सब अपने तन मन में उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम करते हुए अंत में जो प्रार्थना करते हैं भारत माता की, उसमें प्रभु से इन्हीं पांच गुणों का वरदान मांगते हैं। 1925 से संघ चला, धीरे धीरे बढ़ता गया, सब प्रहारों के, सब बाधाओं के बावजूद बढ़ता गया। धीरे धीरे प्रतिकूलता को उसने स्नेह में बदल दिया। आज लोकप्रिय है,
जहां जाते हैं वहां समाज का स्नेह मिलता है, विशाल संगठन बन गया है, लेकिन हम इसमें कृतार्थता अनुभव नहीं करते। हमको अपने को प्रसिद्ध करने के लिए काम नहीं करना था और नहीं कर रहे, आगे बढ़ना है। अनुकूलता का समय भी आता है, लेकिन अनुकूलता विश्राम के लिए प्रवृत्त करती, विश्राम हमको नहीं करना है। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए सतत कार्यकर्ता निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है, उसके चलते उस प्रक्रिया को चलाने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष होता है। तृतीय वर्ष के समापन का प्रसंग प्रतिवर्ष हम यहां अनुभव करते हैं। अपना खर्चा करके सांपत्तिक सुस्थिति में ये सब शिक्षार्थी सबके सब नहीं है, प्रांतों के वर्गों में और यहां के वर्ग में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हजार रुपया शुल्क जुटाना, प्रवास शुल्क जुटाना, इसके लिए दो तीन महीना मेहनत मजदूरी करके पैसा जुटाकर उस पैसे को अपने भौतिक आवश्यकता के लिए खर्चा न करते हुए वर्ग का शुल्क देकर यह प्राप्त करते, उनको कोई मिलने वाला नहीं है। वो ऐसा करते हैं इसलिए उनको धन्यवाद भी नहीं दिया जाता, और ये आदत भी लगाई जाती है कि अपेक्षा कुछ मत करो, नेकी करो और कुएं में डालो। वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमहार, छोड़ चलो एक शुद्र भावना हिंदू राष्ट्र के तारणा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये सीख हो लेते हैं, ये संस्कार लेते हैं, अपने मन के भाव को पुष्ट करते हैं। तृतीय वर्ष में आते हैं तो आज तक जो पुस्तकों में पढ़ा था, बौद्धिकों में सुना था, इधर उधर से सुन रहे थे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति ग्रहण करते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए लोग, विभिन्न स्वभावों के, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जाति उपजातियों के अपरिचित लोग पहले दिन आते हैं, और जिस दिन जाने का समय होता है, कल होगा, आंखों में आंसू रहते हैं, भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन आत्मीयता ऐसे हो गई कि लगता है कि बिछुड़े ही नहीं, अनुभूति धारण करते हैं कि सारा भारतवर्ष मेरा अपना है, सारे भारतीय मेरे अपने। जो प्रतिज्ञा में विद्यालय की प्रार्थना में करता था, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, भारत के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का गौरव मेरे मन में है, उन सारी बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति वो यहां प्राप्त करते हैं। इसके बाद उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता इसीलिए नहीं रहती। अनुभूति मन को प्लावित करती है, मन ऐसा बनाकर आंख और कान खोलकर समाज में, समाज की सेवा परोपकार का काम करते हैं, तो अपने आप आगे का प्रशिक्षण हो जाता है। यह संघ का कार्य है। हम सारी सज्जन शक्ति को जुटाना चाहते हैं। हमें विचारों से, मतों से कोई परहेज नहीं। गंतव्य एक हो, परम वैभव संपन्न भारत, विश्व गुरु भारत, उसकी दुनिया को आवश्यकता है। दूसरा कोई आज के दुनिया के और समस्याओं को हल करने वाला उत्तर नहीं दे सकेगा। भारतवर्ष को देना है, बोल के नहीं देना है, अपना जीवन वैसा प्रस्थापित करके देना है। उस जीवन को स्थापित करने के लिए लायक भारतीयों का भारत, उसके स्वत्व के आधार पर पक्का खड़ा, अपने स्वत्व की पक्की पहचान जिसके मन में है, उसके बारे में जो स्पष्ट है, उसके बारे में जो निर्भय है, संकोची नहीं है, ऐसा समाज इस देश में हम खड़ा करना चाहते। ऐसा समाज ही विश्व की और भारत की और हमारी आपके दैनिक जीवन की सब समस्याओं का पूर्ण उत्तर है। उसको हम सबको खड़ा करना है। संघ का काम केवल संघ का काम नहीं है, ये तो हम सबके लिए है। इसको देखने के लिए अनेक विचारों के महापुरुष आ चुके हैं, आते रहते हैं, मैं उसका विवरण नहीं दूंगा, आपको पता है। और इस प्रसंग के निमित्त ऐसा बहुत आया भी है।
आते हैं, देखते हैं, उनसे हम पाथेय ग्रहण करते हैं, उनकी सूचनाएं उसका विचार करते हैं। हमने जो पथ तय किया है, हमने जो कार्यक्रम तय किया है, हमने जो गंतव्य तय किया है, उसमें उसकी जो मदद होती है उसका विचार करते, उनको स्वीकार करते, आपस में सद्भावना रखकर समाज सब एक दूसरे का सम्मान करके चले। परस्परम भावयंतम, हम अपने अपने पथ से प्रामाणिकता से चले तो प्रामाणिक लोगों में मत आड़े नहीं आते, प्रामाणिक लोगों में कुछ बात आड़े नहीं आती, जो सही है उस पर सब चलते। उनके मतों की आपस की चर्चा एक सुंदर संवाद बनता है, जैसे अपने उपनिषदों के संवाद है। तरह तरह के मत है, सबका प्रतिपादन है, उसमें से एक सहमति निकल कर आती है। पढ़ने के लिए, चिंतन के लिए और जीवन में उतारने के लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य है। उस सत्य पथ पर चले हम सब, ऐसा हमारा संस्कार हो, ऐसी हमारी आदत हो, ऐसी हमारी बुद्धि हो, ऐसा समाज उपदेश से नहीं अपने स्वयं के जीवन से उदाहरण करने वाले कार्यकर्ता संघ तैयार करता है। यह हम सबके लिए, हम सबका काम है। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस कार्य को प्रत्यक्ष देखिए। जो कुछ मैंने अभी तक कहा वो वास्तव में है कि नहीं, इसका पड़ताल कीजिए। और आपको लगा कि ऐसा है तो ये सर्वहित का कार्य है, इसमें आप भी सहभागी होइए। संघ को परखे, अंदर से परखे। आना जाना अपने मर्जी की बात है, यहां पर मन मर्जी का काम है, सब आ सकते हैं, सब परख सकते हैं और परख कर अपना भाव बना सकते हैं। जैसा बनेगा वो बनेगा, हमको उसकी चिंता नहीं। हम क्या है हम जानते हैं, हम जो है वैसे दिखते हैं, हम जो है वही हम करते हैं। सबके प्रति सद्भाव रखकर, किसी का विरोध मन में न रखकर हम अपने पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे चल रहे हैं। लेकिन ये केवल हम करेंगे तो नहीं होगा, पूरे समाज का ये काम है। सारे समाज को इस मार्ग को परखना चाहिए और अगर ठीक लगता है तो इसके सहयोगी बनना चाहिए। एक आह्वान मैं आपके सामने रखता हूं। और मेरी बात समाप्त करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को अनुरोध करता हूं कि अपना पाथेय हम सब लोगों को प्रदान करें। वो अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे, कान देकर सुनिए तो समझ में भी आएगा। सत्संग चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, श्री गजेंद्र सिंह संधु सर्वाधिकारी, श्री राजेश लोया नागपुर महानगर संघ चालक, श्री रामजी हराकरे विदर्भ प्रांत संघ चालक, डिस्टिंग्विश पार्टिसिपेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम हियर अमिडस्ट यू टू शेयर माय अंडरस्टैंडिंग विथ यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, that is Bharat. These three concepts are so closely intertwined that it is difficult to discuss any one of them in isolation. Let us make a beginning
with the dictionary meaning of these three words. Nation is defined as a large group of people sharing the same culture, language or history, and inhabiting a particular state or area. Nationalism is defined as identification with one's own nation and support for the interests, especially to the exclusion of interests of other states. Patriotism is defined as devotion to and vigorous support for one's own country. Let us examine these three concepts in the context of India. India was an open society, globally connected along the Silk Route and Spice Routes. These busy highways of commerce and conquest witnessed a free exchange of culture, faith, invention, as merchants, scholars, conquerors, and sages traversed mountain and desert and sailed the oceans. Buddhism reached Central Asia, China, and Southeast Asia together with Hindu influences. Many ancient travelers came to India and gave their account. Greek traveler Megasthenes came in the 4th century BC. Chinese traveler Fa Yen came in the 5th century AD. And Chinese traveler Huan Shang came in the 7th century AD. All of them have described India as having the efficient administrative systems with planned settlements and good infrastructure. In education, Takshashila, Nalanda, Vikramshila, Bhalavi, Shompura, and Odonpuri comprised the ancient university system in India that dominated the world for almost 1800 years, beginning with 6th century BC. They were magnets to attract the finest minds and scholars from all over the world. In the liberal environment of these institutions, creativity found full form, art, literature, and scholarship flourished. Chanakya's Arthashastra, an authoritative text on the statecraft, was also written during this period. India was a state long before the concept of the European nation-state, which gained ground after the Treaty of Westphalia in 1648. Their model was a defined territory, a single language, shared religion, and a common enemy. That was the model which led to the formation of various nation-states in Europe. On the other hand, in stark contrast to that concept, Indian nationalism emanated from universalism, the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramayo. We see the whole world as one family and pray for the happiness and good health of all. Our national identity has emerged through a long-drawn process of confluence, assimilation, and coexistence. The multiplicity in culture, faith, and language is what makes India special. We derive our strength from tolerance. We accept and respect our pluralism
we celebrate our diversity. There have been a part of our collective consciousness for centuries. Any attempt at defining our nationhood in terms of dogma and identities of religion, region, hatred, and intolerance will only lead to the dilution of our national identity. As Sarvabhoumi Radha Krishnan said, any differences that may appear are only on the surface, but we remain a distinct culture, cultural unit with a common history, a common literature, and a common civilization, unquote. In the words of eminent historian Vincent Smith, India, beyond all doubt, possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, color, language, dress, manners, and sect. If we have a quick look at the history, the emergence of Indian state can be traced back to the days of Mahajanapadas in the 6th century BC. In the 4th century BC, Chandragupta Maurya established a powerful empire in the northwest and northern part of India. Emperor Ashoka was the most illustrious king of this dynasty, whose reign has been described as the brightest interlude in the troubled history of mankind. It was he who, at the height of victory, converted the sounds of Bhedihosho war drum into the sounds of Dhamma Ghosho, sound of the drum preaching peace, fraternity, and love. After Maurya dynasty, again India was broken into small kingdoms spreading all over the area. Then came the Gupta dynasty around 3rd century AD. Many dynasties and Gupta dynasty collapsed in 550 AD. Many dynasties, powerful kingdoms, ruled India in northern and southern part. In the 12th century AD, after losing the battle at Tarain, Delhi was captured by the Muslim invaders. The next 600 years were the Muslim rules, and which was finally taken over by a mercantile company, East India Company, winning the battle at Plassey in 1757, and thereafter with the success in 3 battles of Arcot, a mercantile company, East India Company, captured a large part of territory in eastern India and southern India. A size, big chunk of the West India, the British Emperor received as a gift, marriage gift, which was also annexed to the administration of East India Company. East India Company, for the facilitating of a centralized modern administrative structure, established the institution of the Governor General, located at Fort William in Calcutta in 1774, and 2 other governors, one at Madras and another at
Bombay. However, after the First War of Independence in 1857, through a proclamation of the Queen, the administration of this vast land was transferred to the British sovereign, and an institution was created in the British cabinet system, which was known for the Secretary of States. However, a particular point is to be kept in mind. Throughout the period of 2,500 years of changing political fortunes and conquests, the 5,000-year-old civilizational continuity remained unbroken. In fact, each conqueror and each foreign element had been absorbed to form a new synthesis and unity. Poet Rabindranath Tagore very beautifully and magnificently described, I'm quoting two lines and I'm saying it in Bengali and thereafter I will translate in English. Keho nahi jane, kar auhane, koto manusher dhara, durbar srote, elo kotha hote, samudre holo hara. No one knows at whose beckoning call how many streams of humanity came in indomitable waves from all over the world, over the millennia, and mingled like rivers into the vast ocean and created an individual soul that is called Bharat. Distinguished participants, the concept of modern Indian states were articulated by various scholars, philosophers, thinkers, and political leaders. From the platform of Indian National Congress, Sir Surendranath Banerjee, in his presidential address in 1895, and in his autobiography, which is known as A Nation in the Making, conceptualized the Indian nationalism. This nationalism comprised all Indians living in the British Indian provinces and 565 princely ruled states in India. When Balgangadhar Tilak, a great patriot, gave voice to the phrase coined by Barrister Joseph Baptista, Swaraj is my birthright and I shall have it, he referred to Swaraj for the people of whole India, encompassing various castes, creeds, religion spread across British India and princely states. This nation and nationalism was not bound by language, religion, or race. As Gandhiji explained, Indian nationalism was not exclusive, nor aggressive, nor destructive. It was this very nationalism that Pandit Jawaharlal Nehru so vividly expressed in the discovery of India, and I quote, I am convinced that nationalism can only come out of the ideological fusion of Hindu, Muslims, Sikhs, and other groups in India. That does not mean the extinction of any real cultural or of any group, but it does mean a common national outlook to which other matters are subordinated, unquote. In the process of our movement against the British rules, the various anti-colonial, anti-British, and mostly progressive movements across the length and breadth of the country were ultimately unified in a cohesive national struggle for freedom, keeping the feeling of patriotism above everything, individual, ideological,
and political leanings. Ultimately, we won freedom in 1947. Thanks to Sardar Patel's untiring efforts, the princely states of India merged with the British Indian provinces, leading to the consolidation of India. The complete integration of provincial and princely states took place after the formation of states on the recommendation of the States Reorganization Commission in 1956. On 26 January 1950, the Constitution of India came into operation. In a remarkable display of idealism and courage, we, the people of India, gave to ourselves a sovereign democratic republic to secure for all its citizens justice, liberty, and equality. We undertook to promote among all citizens fraternity, the dignity of the individual, and the unity of the nation. These ideals became the lodestar of the modern Indian states. Democracy became our most precious guide towards peace and regeneration from the swamp of poverty which was created by 190 years colonial rule by Britain. For us, democracy is not a gift, but a sacred trust. The Indian Constitution, consisting of 395 articles and 12 schedules, is not an instrument for administration, a legal document, but a Magna Carta of socio-economic transformation of the country. It represents the hopes and aspirations of billions plus people in India. From our Constitution flows our nationalism. The construct of Indian nationalism is constitutional patriotism, which consists of an appreciation of our inherited and shared diversity, a readiness to enact one's citizenship at different levels, an ability to self-correct and learn from others. Distinguished guests, friends, I want to share with you some truths that I have internalized during my 50 years and more public life. As party activist, as member of parliament, as member of cabinet. The soul of India resides in pluralism and tolerance. This plurality of our society has come through assimilation of ideas over centuries. Secularism and inclusions are a matter of faith for us. It is our composite culture which makes us into a nation. India's nationhood is not one language, one religion, one entity. When I shut my eyes and dream of India, from Mizoram to Dwarka, from snow-capped Himalayan to way west, west Cape Comorin, I mesmerize how it is possible 1.3 billion people use more than 122 languages and 1600 dialects in their everyday life, practice 7 major religions in their everyday life, belong to 3 major ethnic groups, Caucasians, Dravidians, and Mongolites. Yet, under one system, one flag, one constitution, and one identity, which we may call Bharatiya Indian. But we do not identify any enemy.
That is makes Bharat diverse and united nation. In a democracy, I believe informed and reasoned public engagement on all issues of national importance is essential. A dialogue is necessary, not only to balance the competing interests, but also to reconcile them. Divergent strands in public discourse have to be recognized. We may argue, we may agree, we may not agree, but we cannot deny the essential prevalence of multiplicity of opinion. Only through a dialogue can we develop the understanding to solve the complex problems without an unhealthy strife within our polity. Peaceful coexistence, compassion, respect for life, and harmony with nature form the foundation of our civilization. Every time a child or a woman is brutalized, the soul of India is wounded. Manifestations of rage are tearing our social fabrics. Every day we see increased violence around us. At the heart of this violence is a darkness, fear, and mistrust. We must free our public discourse from all forms of violence, physical as well as verbal. Only a nonviolent society can ensure the participation of all sections of people in the democratic process, especially the marginalized and the dispossessed. We must move from anger, violence, and conflict to peace, harmony, and happiness. For so long, we have lived with pain and strife. I am addressing the trainees. You are young, disciplined, well-trained, and highly educated. Please wish for peace, harmony, and happiness. Our motherland is asking for that. Our motherland deserves that. Happiness is fundamental to the human experience of life. To lead a healthy, happy, and productive life is the basic right of our citizens. While we have done well in many macroeconomic areas, growth indicators show how India is emerging as the fastest growing state in emerging economy all over the world. But we have not fared well in the World Happiness Index. We rank 133rd out of 156 countries mapped in the World Happiness Report 2018. When we go to Parliament, just above the lift at gate number 6, there is a slope inscribed in Sanskrit. Shlok is from Kautilya. Praja sukhe sukham rajo prajanan cha hite hitam natma priyang hitam rajo prajanan tu priyang hitam. In the happiness of the people lies the happiness of the king. Their welfare is his welfare. He shall not consider as good only that which pleases him, but treat as beneficial to him whatever causes happiness to people. Kautilya placed people at the center long before the formulation of the modern democratic government by the people, of the people, for the people. The aim of the state should be to galvanize the people to fight a concerted war against poverty,
disease and deprivation, and to convert our economic growth into real development. Let the objective of spreading peace, harmony, and happiness inform the formulation of our public policy and guide all the actions of our state and citizen in their everyday life. These and these only will be able to create a happy nation where nationalism flows uninterruptedly, automatically. Satsang Chalok Mohan Bhagwat Ji, I beg your pardon as I have exceeded my time, which you were expecting me to speak for. Dhanyabad. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. सभी नागरिक बंधु भगिनी से कृपया आग्रह है कि अतिथि अधिकारी और शिक्षार्थी जाने के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ेंगे. अभी ध्वजा उत्तरण होगा, अभी हम सब अपने स्थान पर खड़े रहेंगे. सावधान उत्तिष्ठ आरवा. सावधान संघ तक्ष ध्वज प्रणाम. एक दो तीन. स्वस्थ.